नमस्कार, आर के चंद में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक बेबी फ्रॉक लेके आई हूँ, बिब वाली फ्रॉक जो प्लीट से बनते हैं ऐसे, और बिब बनता है। ये देखो, ये 1 साल के बच्चे का है, 1 से 1.5 साल के बच्चे का आराम से आ जाएगा। ये बिब वाली बनती है, जहाँ ये मैंने बनानी शुरू की है। ये देखो, जी मैंने 38 जोड़ और 76 फंदे मैंने डाले हैं, और मैंने 1 2 3 4 5 6 12 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी चढ़ा ली है। आप चाहे तो स्टार्टिंग जब भी ये शुरू कर सकते हो। मैंने वैसे बॉर्डर सा बना लिया, और ये मैंने बीच में ये डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन आपको मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाकर डाली हुई है, जी देखो, उल्टे फंदा, इसकी मैंने वीडियो भी बनाकर डाली हुई। वैसे आप वहाँ से भी देख सकते हो, लिंक मैं डाल दूँगी। देखो, एक फंदा ऐसे उल्टे फंदा ही डालना है। उल्टी सिलाई में फिर उल्टी तरफ से सीधा बुनना, पहले सीधा फंदा ऐसे, धागा बस दबाना है, उसको आगे कर लेना। ये बन गया दुबारा, अब हमने ये वाला बनाना है। ये कटा से दोनों तरफ से एक जैसा ही लगता है। देखो, अब हमने ये वाला बनाना है, ये वाला। इसके लिए हमने क्या करना, पहले ये उल्टे फंदे शुरू किया, 6 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, स्टार्टिंग में 6 फंदे आएंगे उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे डाल के फिर एक फंदा सीधा, फिर 12 12 फंदे हमने
डालने हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और 12। 12 फंदे डाल के एक फंदा सीधा, फिर 12 फंदे डालने, फिर एक सीधा, ऐसे पूरी रो खत्म करनी है हमने। 12 के बाद एक फंदा सीधा आएगा, फिर 12, ये दोनों तरफ से एक जैसा ही लगता है। आप चाहे तो बॉर्डर ना बुनो, स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो ऐसे ही फ्रॉक के लिए। मैंने तो बॉर्डर बुन लिया, आप चाहे तो सीधा भी स्टार्टिंग से भी ऐसे ही कर सकते हो। एक सीधा आ गया, फिर 12 फंदे, तो पूरी रो उल्टी उल्टी ही जाएगी। आप बड़ी बनाना चाहो तो बड़ी बना लो अपने बच्चे के हिसाब से, मैंने तो छोटे बच्चे के बनाई है। एक सीधा, 12 उल्टे एक सीधा, 12 उल्टे एक सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और 12। लास्ट में मैंने फिर 6 फंदे उल्टे आएंगे, एक दो तीन चार पाँच और 6। स्टार्टिंग में भी 6 थे और लास्ट में भी 6, फिर सीधी उल्टी सिलाई, फिर 12 फंदे उल्टे आ जाएंगे यहाँ, 12 फंदे उल्टे आएंगे। उधर तो 6 6 फंदे आए थे ना, इधर 12 आएंगे स्टार्टिंग से। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह 12 और एक एक फंदा सीधा, फिर 12 12 फिर आएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह 12 एक सीधा, 12 12 फंदे डाल के 13 फंदा सीधा आ जाएगा। स्टार्टिंग में सीधी सिलाई में पहले 6 फंदे इधर आएंगे और 6 इधर आएंगे, और उल्टी सिलाई में फिर 13 13 ही फंदे आएंगे। ऐसे अपने जितना लंबा बनाना चाहो बना लो, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको कैसे। इतना लंबा बनाना चाहो बना लो, मैंने तो इतना बनाया, पूरा एक गेट बनाया मैंने, आप जितना चाहो बना सकते हो, इतना बना लो फिर आपको आगे बताऊँगी। ये देखो जी, मेरा स्कर्ट बन के तैयार हो गई है। मैंने सिर्फ एक किट बनाई है, आप चाहो तो जितनी मर्जी बड़ी बना सकते हो। मैंने 1 साल के बच्चे के बनाई है। अब मैं अपने 38 फंदे और 38 जोड़ रखे थे हमने नीचे से, 76 फंदे थे। अब हमने 50 फंदे ऊपर करने हैं। अब हमने क्या करना है,
दो दो का एक करते जाएंगे, एक फंदा ऐसे बुन लेंगे, फिर दो का एक, फिर एक पैसे, फिर दो का एक, एक सिंपल, 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 दो का एक। हमने फंदे कटाने हैं, पचास फंदे रखने हमने, फिर उसके ऊपर हमने स्कर्ट बनानी है, ब्लाउज ऊपर बॉडी बनानी है। बीच बीच में दो का एक जगह जगह बार बार भी कर सकते हो, पर हमने फंदे पूरे 50 फंदे करने हैं। देखिए कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
लगे तो बीच में दो एक जगह दो दो बार भी कटा सकते हो, पूरे 50 करने हैं आपने। अब नीचे मैं ये वाली बेल ऊपर डालूंगी, उसके बाद ब्लाउज बनाना शुरू करूंगी। ये तो आपको मैंने सिखाई हुई ना, ये बना के फिर मैं आके आपको ब्लाउज बनाना सिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने ऐसे बना लिए, यहाँ भी मैंने ये वाला डिज़ाइन डाल दिया, सेंटर में मैंने वाइट लगा लिया, पीछे वाले पासे में तो मैंने एक कलर की लगाया, आगे मैंने ये साइड में मैंने 10-10 फंदे मैंने ये डाले हैं, और बीच में मैंने बाकी फंदे इसमें कर ले, 25 फंदे थे ना, 50 फंदे थे ना हमारे, 10-10 इधर आ गए, बाकी इसमें आ गए। इसमें कितने, 30 फंदे मैंने इसमें है, 10-10 इसमें, 10 इधर 10 इधर और 30 बीच में, 50 हो गए। ये मैंने यहाँ आई कोड की तरह मैंने बनाया डिज़ाइन। ये कैसे बनाते हैं, ये मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है, एक फंदा उतार लिया, दूसरा भी उतार लिया, बाकी फंदे उल्टे। धागा पीछे, ये मैंने सीधे ही बनाए,
दोनों तरफ से मैंने आई कोट की तरह बनाया। मोटे मोटे आती है ना सिलाइयाँ, देखो कितनी अच्छी लगती है ना। फिर ये पिंक धागा मैंने दोनों तरफ से लगाया है, इधर भी लगाया। दो फंदे आगे, धागा पीछे, फंदा उतारा, एक फंदा सीधा ही बुन दिए, जैसे मोटे मोटे आ जाएगी फिर डोरी की तरह ना। उल्टी सिलाई तो कुछ नहीं करना, सिंपल उल्टे। सीधी सिलाई में भी आई कोट को सिर्फ लगाना, एक फंदा उतारना तो एक बुन लेना। जी देखो, पहले फंदा उतार लिया, दूसरा भी उतार लिया, धागा आगे उल्टे। धागा पीछे, अब सीधे। मैंने छोटे बच्चे की बनाई, अपने आप साफ से आप जितना बड़ा बीब बनाना चाहते हो उतना बना लेना। मैं तो आपको बता दूंगी कितना मैंने बनाया, एंड में आपको सब कुछ बता दूंगी। पीछे से ना धागा जब ऐसे करना ना आपने, इसके ऊपर ऐसे करके फिर ऐसे करना, नहीं तो ना वक्रा वक्रा रह जाएगा, जैसे वक्रा वक्रा नजर ही ना आ रहा। देखो ऐसे है ना, पहले धागे को ऐसे करके फिर उसको ऊपर ऐसे कर देना।
ये देखो दो धागे आ गए ना, धागा पीछे, फंदा उतारा, इस फंदे को ऐसे बुन दिया। उल्टी सिलाई तो सिंपल ही है, पहला फंदा उतार लिया, बाकी बुन लिया। बंद भी हम आई कोट की तरह करेंगे, जिससे ऊपर ऊपर मोटी मोटी चेन आए, वो भी आपको मैं बताऊंगी। देखो बस मेरा तो इतना हो चला, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, उन्नीस सिलाइयाँ मैंने डालनी है ये वाली, दो तीन चार पाँच छः सात। ये देखो मैंने इतनी बना ली है, मैंने वहाँ से वाइट लगाया और इतना मैंने ऊपर से जे सीधी सीधी सिलाइयाँ मैंने एक दो तीन चढ़ा ली हैं, छः सिलाइयाँ। अब हमने बटन होल करना है, जहाँ बटन होल करेंगे पांच फंदे करके, धागा आगे करके उल्टे बुनने ना, ऐसे धागा आगे। दोनों तरफ से हमने बटन होल बना लेने, इन्हें हमने पांच छोड़ दिए ऐसे धागा करके, बटन होल बना लिया। फिर हमने धागा पीछे, फंदा उतारा, ये फंदा हमने बुन लिया, आई कोट की तरह बना रहे थे ना, उल्टी सिलाई उल्टी। एक और सिलाई, दो सिलाइयाँ हमने और चढ़ा के फिर हम इसको बंद कर देंगे। बंद भी हम इसको आई कोट की तरह करेंगे, वो भी आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। जो दो सिलाइयाँ चढ़ा के फिर आप इसको बंद कर देंगे। ये देखो अब हम इसको बंद करेंगे, पहले फंदा बुन लेना, दूसरा भी, मुझे फंदा उतार लेना। फिर सॉरी, ये फंदा बुन लिया, ये उतार लिया और ये बुन लिया। जो उतारा है फंदा ना, इसके ऊपर ऐसे निगा उतार देना, फिर दोनों फंदे इसके ऊपर ऐसे डाल लेना। फिर एक ऐसे बुन लिया, ऐसे उतार लिया और इसे फिर बुन लिया। ये आई कोट की तरह बंद होता है, तो दोनों फंदे इसके ऊपर उतार लिए, ये फंदा बुन लिया
ये उतार लिया और ये बुन लिया, उतारा या फंदा इसके ऊपर से ऐसे। दोनों फंदे इसके ऊपर, फिर इसे बुन लिया, इसे उतार लिया और इसके दोनों फंदे इसके ऊपर वापस सिलाई में, पहले बुन लिया, दूसरा उतार लिया, तीसरा फिर बुन लिया, उतारा या फंदा इसके ऊपर से ऐसे उल्टा देना, फिर दोनों फंदे वापस इस सिलाई में, फिर पहले बुन लेना, दूसरा उतार लेना, तीसरा बुन लिया, उल्टाया फंदा इसके ऊपर। ये देखो मोटी मोटी सी ना मीन आ रही है, मोटी मोटी। फिर दोनों फंदे इसके वापस, पहले बुन लिया, दूसरा उतार लिया, फिर बुन लिया, उतारा फंदा इसके ऊपर से ऐसे उल्टा देना, फिर वापस दोनों फंदे इसके अंदर, फिर बुन लिया, ये उतार लिया, फिर ऐसे बुन लिया। ऐसे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखो ये मैंने बंद भी कर दिए। अब ऐसे कोई फ्लावर हम बनाकर, ये कंप्लीट हो गई, बनाकर लगाऊंगी मैं। ऐसे मैंने ये बनाए हैं, इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। ये देखो पूरा स्टिचिंग हो गई है। यहाँ बटन लगा देंगे पीछे वाले में, यहाँ दोनों तरफ। ऐसे मैंने स्टिचिंग कर दी। ये देखो ये देखो जब मैंने स्टिचिंग किया, एक नज़र भी नहीं आ रही। अब मैं दूसरी तरफ आपको करना सिखा दूंगी। ये देखो ये जो है ना, ये देखो ये इसे उठाकर ऐसे, इसे उठाकर ऐसे, ये वाला फंदा उठाना, ये वाला, ये वाला, एक उधर से एक इधर से। आपको नज़र भी नहीं आएगा कैसे स्टिचिंग की है, बहुत सफाई से ये स्टिच होता है। देखो दोनों तरफ से कितना साफ नज़र आ रहा है, जैसे ये बना ऐसे ये बन गया, पीछे से ऐसे आ जाएगा। एक बार और दिखा देती हूँ आपको, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, या और ये जी देखो।
ऐसे पूरा कंप्लीट करना, यहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ से उठाना, इधर से ये वाला उठाना, इधर से ये वाला, ये वाला। इसे ऐसे खींच दो, देखो पता नहीं चल रहा ना कहाँ से हो रिश्ता, ये कितना साफ बना। ऐसे हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब आपको ये बनाना मैं सिखाऊंगी, ये वाला। ये मैंने 5 फंदे डाल दिए, दो, तीन, चार, और एक फंदा हमने जहाँ बढ़ाना है, और 5। एक, दो, तीन, चार, 5, एक फंदा हमने यहाँ से इस फंदे से पहले बढ़ाना है। ऐसे हमने दोनों तरफ से फंदे बढ़ाने हैं। 5 फंदे डाले थे हमने, 11 फंदे करने हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। फ्लावर की तरह बन जाते हैं ये। वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाकर भी डाली हुई है, उसमें टोकरी के साथ मैंने ये बनाए फ्लावर। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारी उल्टी सिलाई है। पाँच के हमने 11 कर लिए, अब हमारे फंदे 11 हो गए। अब क्या करना, 2 का 1 करना। अब वापस 5 फंदे करने हमने। दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने बंद करते जाना, वापस 5 फंदे कर लेने।
दोनों तरफ से एक एक फंदा बंद करते जाना। पहले 5 डालने, फिर 5 के 11 करने, 11 के बाद फिर 5 कर लेने। ये हमारे 5 फंदे वापस हो गए। अब हम इसे बंद कर देंगे। हम देखो ध्यान से, यहाँ से जो इसको अंदर कर लेंगे हम। ऐसा करके ऐसे इसको खींच लेंगे। अब यहाँ रख के उसे ऐसे ऐसे करके हम इसके टंके लगा देंगे। अपने हिसाब से सेट करके देखो, मैं ऐसे लगाऊंगी। ऐसे बनाकर मैं ऐसे कोई व्हील सी कुछ भी बना के डिज़ाइन कर दूंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स देना। होपफुली आपको सब समझ लगा होगा। थैंक यू।